दोस्तों, एनजीसीएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम मूव एंटिटीज, कॉपी एंटिटीज, रोटेट एंटिटीज, स्केल एंटिटीज और स्ट्रेच एंटिटीज के बारे में बात करेंगे। ये सॉलिड वर्क्स ट्यूटोरियल सीरीज का 17वां ट्यूटोरियल है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। आ जाते हैं अपने डिजाइन में और यहाँ पर कोई प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर कोई ज्योमेट्री हम क्रिएट कर लेते हैं। चलिए इसको हम क्रिएट किए, इसके अंदर में हम एक सर्किल भी क्रिएट कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं और यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए लाइन भी क्रिएट कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं मूव एंटिटीज क्या है। मूव एंटिटीज में आए और यहाँ से ये पूरा ज्योमेट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। मूव एंटिटीज में आके और ये पूरा ज्योमेट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। और हमें किस पॉइंट पे, स्टार्ट पॉइंट क्या है, तो ये स्टार्ट पॉइंट है। यहाँ से हमें कहाँ तक जाना है, ये एंड पॉइंट यहाँ तक, ये देखिए। अब यहाँ से आप जहाँ जहाँ पे भी चाहें वहाँ पे जा सकते हैं। ये यहाँ पे आए, ये देखिए यहाँ पे ये मूव हो चुका है, यहाँ से यहाँ मूव हो चुका है। अब देखते हैं कॉपी एंटिटी। कॉपी एंटिटीज क्या करता है, सेम वही काम करता है, बस उसको मूव न करके कॉपी कर देता है। तो स्टार्ट पॉइंट रखेंगे यहाँ पे और एंड पॉइंट यहाँ पे, ये देखिए ये एक फाइल इसको कॉपी कर दिया, ये देखिए सेम टू सेम कॉपी कर दिया इसी को। अब तीसरा देखते हैं रोटेट एंटिटी। रोटेट ये क्या रोटेट करना है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो रोटेट करना है। और सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन इसको इसको रख लेते हैं। कितना डिग्री रोटेट करना है हमें, मान लीजिए कि हमें 45 डिग्री रोटेट करना है। ये देखिए ये इसके अबाउट 45 डिग्री रोटेट हो चुका है। अब इसको चेंज करें, मान लीजिए कि 10 डिग्री रोटेट करना है। ये देखिए इसके अबाउट 10 डिग्री रोटेट कर गया। इसी तरह से देख लेते हैं स्केल एंटिटीज। स्केल एंटिटीज क्या होता है कि उसके स्केल को कम कर देता है। चलिए ये 1/1 स्केल में है, इसको हम 2 कर लेते हैं। और किसके अबाउट करना है, ये देखिए इसके अबाउट स्केलिंग करना है। तो ये 2 गुना बड़ा हो गया। इसको चाहे तो हम 0.5 कर लेते हैं। 0.5 करेंगे तो पहले वाले के आधा हो जाएगा, ये देखिए इस पॉइंट के आधा हो जाएगा। अब देखते हैं स्ट्रेच एंटिटी। स्ट्रेच एंटिटीज क्या है, इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से स्ट्रेच अबाउट, इसके अबाउट हमें स्ट्रेच करना है। अब जहाँ तक स्ट्रेच करके ले जाएंगे वहाँ तक ये स्ट्रेच हो जाएगा, यहाँ तक, ये देखिए ये स्ट्रेच हो गया। यहाँ से उठ स्ट्रेच होके यहाँ पे चला आया है। तो ये थे ये सारे और इनका यूज, ये आगे बहुत यूज में आएंगे तो हम इसको आगे यूज करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।